सदन की कार्यवाही दूसरे दिन ही स्थगित होने पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि प्रजातंत्र का इस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, ये दुख की बात है। इतना ही नहीं, उन्होंने सदन में कई स्थगन प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण की सूचनाएं भी दी थी, लेकिन उनमें से किसी पर भी चर्चा कराना उचित नहीं समझा गया। ये बड़े ही दुख की बात है। आज प्रथम बात यह है कि अपने मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा, कोई उपाय नहीं। हमारा किसान पीड़ित है, ना मूल्य मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है। बाढ़ से मैं दौरा करके आया, कोई व्यवस्था नहीं। जब मौसम विभाग ने रेड अलर्ट दिया हुआ था, आज हमारा छोटा व्यापारी होए, आज सब पीड़ित हैं। कोरोना में ये घोषणा करेंगे जिनकी मौत हुई उनको हम मुआवजा देंगे। किसको मिला? एक व्यक्ति को नहीं मिला। अब हमारी सरकार आएगी, हम करेंगे और क्या? हम और क्या, शासन तो उनका, आप करेंगे? हाँ, सड़क से, आप सड़क में, हम जनता का ध्यान आकर्षित करेंगे। आज जनता पीड़ित है। वो समय गया जब आप कलाकारी से झूठ बोल के, एक तो बात होती है आप झूठ बोलते हैं शर्मा के, ये तो झूठ बोलते हैं मुस्कुरा के, ये अंतर है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मॉनसून सत्र दूसरे ही दिन 1.5 घंटे के अंदर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जो 12 अगस्त तक चलना था और कुल 4 बैठकें होनी थी। लेकिन विधेयकों को पास करने के बाद सदन की कार्यवाही को दूसरे दिन 1.5 घंटे की कार्यवाही के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ हेमंत माली की रिपोर्ट।